वाक्य चातुरता द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन वंस पर्सनैलिटी, यानी कि अगर आपकी बातचीत में ये चातुरता है, यानी कि आपको अगर इस तरीके से बातचीत करना आता है, सो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और कोई भी सिचुएशन संभाल सकते हैं। सो आज मैं वाक्य चातुरता के कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, प्लीज उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है बी डिप्लोमैट। डिप्लोमैट को लोग कई बार कुछ नेगेटिव सेंस में भी लेते हैं कि डिप्लोमैट हैं आप, बहुत अलग तरीके के हैं, बदल जाते हैं। नो, नॉट एट ऑल। मैं यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लूंगी और थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ही पॉजिटिव सेंस में लूंगी कि हम सबको डिप्लोमैट होना चाहिए, यानी कि हम लोगों को कब बात को आगे बढ़ाना है, कब उसमें से इस तरीके से उसमें से ट्विस्ट लाना है, किस तरीके से बात को संभालना है, ये अगर डिप्लोमेसी हमारे अंदर है तो हम कोई भी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। कई बार कहा जाता है कि आप अपनी बात से मुकर गए। नो, नॉट एट ऑल, आप अपनी बात से मत मुकरिए, लेकिन हाँ, बात की जो कई बार क्या होती है, जो धार होती है ना, उस एज को कम कर दीजिए या उस एज को संभालने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये डिप्लोमेसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज्यादा मायने रखती है कि बड़े बड़े देशों में, यानी कि अगर हमारे फॉरेन रिलेशंस की अगर बात करी जाए, सो वहां डिप्लोमेट्स ही रखे जाते हैं। सो अगर आप में जिस दिन डिप्लोमेसी आ गई, आप कहीं भी हार नहीं मानने वाले, उल्टा आप दूसरों का दिल जीत लेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है कि जहां भी हम मुखातिब हो रहे हैं, कई बार हमें कन्वर्सेशन करना पड़ता है, कई बार वो डिस्कशन होता है, कई बार वो डिबेट में बदल जाता है, बहुत सारी चीजें। So, यहां पर जिस पर्सन के साथ आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या डिबेट हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है, उस पर्सन को जरूर समझिए, क्योंकि हर एक को एक तोल मोल में हम नहीं तोल सकते, यानी कि हर पर्सन अलग होता है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर एक की जो अहमियत है वो भी अलग है। यहां पर आपको पर्सन को भी समझना है, द सेम वे आपको सिचुएशन भी समझनी, जिसे कहा जाता है मौके की नजाकत। मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स कहती है या कहते हैं कि मैम हमने ये बोल दिया, हमने सच बोल दिया, ये बोल दिया, बहुत बोल दिया, बहुत कुछ। बट सबसे बड़ी बात होती है कि मौके की नजाकत क्या कह रही है। कई बार क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना गवारा नहीं होता, किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करना गवारा नहीं होता, और होता क्या है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपल करा जाता है या ढकेला जाता है या कहा जाता है, सो हम जबरदस्ती जाकर उस पर्सन से तो बात कर लेते हैं या उस जगह पर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर या हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सारी चीज़ें अपने आप कह देते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, पर्सन को भी समझना है, सिचुएशन को भी समझना है, द सेम वे अपने ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है उन पर भी कंट्रोल करना है कि किस तरीके से आप बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन अपने चेहरे से आपको गुस्से के हाव भाव भी नहीं देने हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट आता है कि कहीं आपको दिल जीतना है, जगह जीतनी है या उस बात को जीतना है, सो आपको उस पर्सन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। कई बार हमारे लिए नागवार गुजरता है कि ऐसे छोटे लोगों को हम इज्जत दे रहे हैं, जो इज्जत जो पर्सन डिजर्व ही नहीं करता, हम उसको इज्जत क्यों दे रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको कहूंगी कि जब भी अपना पक्ष रखना है, जब भी अपनी बात रखनी है, उसके लिए ये कंडीशन भी बहुत मायने रखती है कि आप दूसरे को इंपॉर्टेंस है। अगर आपने दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं दी, सो अगला आपको सुनने के लिए ही नहीं तैयार होगा, और जब वो सुन ही नहीं रहा है, सो आपका बात करने का क्या फायदा। यहां पर ये भी मायने रखता है कि इंपॉर्टेंस देकर उसके कान खड़े करना, यानी कि अब मैं तुमसे रूबरू हो रही हूं या हो रहा हूं, और अब मुझे ध्यान से सुनो। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है बी सिलेक्टिव टुवर्ड्स योर वर्ड्स, यानी कि कई बार ये जो शब्द होते हैं हमारे, जो हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाते हैं, कई बार इनका अर्थ का अनर्थ हमारे मुंह से खुद ही निकल जाता है, और कई बार जो सामने वाले लोग हैं वो भी उसका अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपसे चाहे जितनी बातचीत हो जाए या चाहे जितना डिस्कशन हो जाए या वो जो डिस्कशन है वो डिबेट की तरफ बढ़ जाए या आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ जाए, तब भी आपका अपने शब्दों में कमांड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि कोई भी आपके मुंह से गलत शब्द ना निकले, क्योंकि उसका पछतावा आपको हमेशा होता रहेगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, वाक चातुरता में एक चीज और इंपॉर्टेंट और मायने रखती है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कहां आपको अपने शब्द मुखर करने, यानी कि कहां आपको ज्यादा बोलना है, कहां आपको कम बोलना है, और कहां आपको एकदम से मौन धारण करना है, यानी कि आपको अपने ऊपर ये कमांड होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि इसको मौके की नजाकत के तौर पर भी आप समझ सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कहां पर हमें अपना सुर ऊंचा करना है, कहां पर नीचे करना है, और कहां पे एकदम से शांत हो जाना है, और तभी आप सिचुएशन को या पर्सन को कंट्रोल कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों को कई बार ये लगता है कि हम पर्टिकुलर पर्सन से झूठ नहीं बोल सकते, हम इससे झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत बात नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, हम वो नहीं बोलेंगे। ओके, हम सबको अपने आप में ऑनेस्ट होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, बट कई बार हमें चीजों को संभालना होता है, और इस वजह से बातों में थोड़ा सा
ट्विस्ट लाना पड़ता है, सो वो झूठ नहीं होता है। उसमें मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप छल कर दे या आप कपटी बन जाए या आप बुरे बन जाए, नो नॉट एट ऑल। बट कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो सत्यवादी होना होता है ये भी बहुत खतरनाक साबित होता है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना ये जो सच है, अपनी जो बात है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा कि कई बार क्या होता है कि सिचुएशन या चीजें हमारे हाथ से निकलती दिखाई पड़ती हैं और हमें वहां पर झुकना भी पड़ता है। ये बातचीत का अपने आप में एक पॉइंट आता है। कई बार हमें लगता है जब हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों झुके, कई बार हमें यह भी लगता है कि जब हम गलत नहीं है तो क्यों झुके। बट कई बार गलती अपनी नहीं होती है, कई बार आप गलत नहीं होते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट हमें झुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मौके की नजाकत होती है। और इसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप खराब है या आपको चीजें संभालनी नहीं आती हैं। आपको चीजें संभालनी आती है, आपको बातचीत आती है, और उसी वजह से आपको अगर झुकना पड़ रहा है तो आप झुक भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।